अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कई सड़कें ताहाल बंद हैं। कराची में शदीद सर्दी का जोर है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहा। काकोल, बालाकोट, ज़ियारत, बगरोट और कश्मीर में बारिश हुई। घड़ी दुपट्टा, रावलकोट, काकोल, बालाकोट, बगरोट और ज़ियारत में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम जज्वी अबर आलूद है। हालिया बर्फबारी बंद बाला इलाकों की शाहराएं बहाल ना हो सकी। वादी लीपा की शाहरा 3 रोज से बंद है, जिसके बाइस चमोला, नोकोट, केसरकोट, मंडाकली समेत 31 गाँव के हजारों अफराद महसूर हो गए हैं। वादी ग्रीस, भीडी शाहरा बंद हुए 23 रोज मुकम्मल हो गए। बाला इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम भी धर्म भरम होकर रह गया। कराची में भी सख्त सर्दी की लहर बरकरार है। दूसरी रात भी दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में वादी थर में शदीद सर्दी की लहर है। मिट्टी का दर्जा हरारत 2 डिग्री रहा। लह मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा, जहाँ का दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध की तवक्को है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपको खबर दें, सखलैन मुश्ताक ने पीसीबी के साथ